हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट एंड वेल। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक हेयर ड्रायर प्लस एक स्ट्रेटनर का रिव्यू, जो कि एक ना ब्लो ड्रायर ब्रश है, इलेक्ट्रिक ब्रश है, ठीक है। तो ये इस तरह की इसकी पैकेजिंग है। इसको मैंने खरीदा था अमेजोन से, तो ये प्रोडक्ट मुझे बहुत पसंद आया। एंड जब मैंने इसे लिया तो मुझे उतना अच्छा नहीं लगा था, तो ये काफ़ी टाइम तक पड़ा रहा। लेकिन एक दिन मैंने इसे यूज़ किया एंड आई वाज लाइक वाओ, इसका रिव्यू तो बनता है, मुझे ये पसंद आया। हेयर है, इसमें लिखा है फ्रिज फ्री ब्लो आउट एंड शाइन इन अप टू द हाफ द टाइम। तो जैसे आप पार्लर में जाते हो एंड आपको ब्लो ड्राई मिलता है, तो आप उस तरह से ब्लो ड्राई कर सकते हो। मैंने अभी इसको करा है हल्का सा ड्राई सेकेंड टाइम, और ये आगे से आप देख सकते हो बहुत ही अच्छे से कर्ल्स आए हैं। तो अगर मैं इसको काफ़ी ज़्यादा टाइम देके अगर यूज़ करूँगी तो ये बहुत अच्छे से ब्लो ड्राई होगा। और इसका सबसे अच्छा वर्क होता है अगर आपके बाल 80% ड्राई हो एंड 20% वेट हो, तो ये बहुत अच्छे से वर्क करता है। तो ये इस तरह से है दिखने में, ये दिखने में तो ऊपर जैसे ब्रशेज होते हैं हेयर ब्रश वैसा है, और यहाँ पे तीन ऐसे बटन हैं जो कि है लो, मीडियम और हाई, और ये लाइट जलती है यहाँ पे ब्लू कलर की, और ये बहुत ही अच्छे से जैसे ड्रायर का आवाज़ आता है वैसे आता है। मैं आपको वीडियो में ऐसा यूज़ करना भी बताऊंगी। इसमें ऐसी कोई सेटिंग नहीं है कि आपको कोल्ड एयर चाहिए या हॉट एयर चाहिए, तो इसमें हॉट एयर ही आती है जैसे ड्रायर से आते हैं। तो ये जिस वजह से आप वर्क करते रहोगे तो ये कॉम की तरह ही वर्क करेगा, आपके हेयर्स भी अच्छे से कॉम हो जाएंगे, और आप इसको हल्का हल्का ऐसे कर्ल करोगे तो ये आपको ब्लो ड्राइंग की इफेक्ट देता है। देख रहे हो आप, बहुत ही अच्छे से वर्क करता है। एंड इसको मैंने खरीदा था अमेजोन से आई थिंक 799 का। आई वॉज सपोज टू रिटर्न इट क्योंकि मुझे उतना पसंद नहीं आया, क्योंकि आई थिंक जिनके बाल स्ट्रेट होते हैं उनके लिए ये ज़्यादा बेनिफिशियल था, बट आई वॉज रॉन्ग क्योंकि ये मेरे बालों में भी बहुत अच्छा इफेक्ट दिया, और इससे बाल बहुत ज़्यादा स्ट्रेट नहीं, बट हाँ एक अच्छा सा नेचुरली स्ट्रेट हो जाते हैं। स्ट्रेटनर जैसा इफेक्ट तो नहीं देते, लेकिन बहुत ही अच्छे से नेचुरल इफेक्ट देते हैं, बहुत स्लीक से बहुत मैनेजेबल लगते हैं। तो इसका रिव्यू मैं आपके साथ शेयर करूंगी, मैं यूज़ करना बताऊंगी आपको, वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहना गाइस। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना मत जाना। तो इसको मैंने किस तरह से यूज़ किया इसको जानने के लिए आपको वीडियो में एंड तक बने रहना पड़ेगा। तो विदाउट एनी फर्दर ड्यू लेट्स गेट स्टार्टेड। इसको यूज़ करना बहुत ईजी है, आपको अपने हेयर्स को दो पार्टीशन में डिवाइड कर लेना है, और हेयर प्रोटेक्टेंट स्प्रे लगाना ना भूलें, क्योंकि हम कोई भी हेयर पे कोई भी ऐसा स्टाइलर यूज़ करते हैं तो आपको हेयर को प्रोटेक्ट करना है। आप सीरम भी लगा सकते हो कोई भी, और मैंने यहाँ पे ये हेयर प्रोटेक्टेंट स्प्रे लगाया है और इसको हाथों से ही ब्लेंड कर लूँगी। तो करते करते आपको अच्छे से कॉम कर लेना है, और इसके अंदर भी कॉम है वैसे तो, ठीक है। तो अच्छे से बालों को कॉम करने के बाद आप इसको यूज़ करो, ठीक है, और ना हल्के हल्के हाथों से ही इसको करना है, और आप देख सकते हो ये ब्रशिंग का काम भी करेगा, और आपको ऐसे धीरे धीरे इसको फोल्ड करना है अंदर की तरफ। अगर आपको थोड़े अंदर की तरफ वाले कर्ल्स चाहिए, थोड़े से कर्ली वेवी चाहिए, तो आपको धीरे धीरे उसको अंदर करना है। आप चाहे तो थोड़ा थोड़ा पार्टीशन भी ले सकते हो, और ये बहुत अच्छे से वर्क तभी करता है अगर आपका हेयर 20% वेट हो और 80% ड्राई हो। तो इसको ये मत सोचना कि ये कैसे बाल टूटेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है, इससे कोई भी डैमेज नहीं होगा। तो आप देख सकते हो दोनों में डिफरेंस, वो काफ़ी थोड़े से मैसी लग रहे हैं, फ्रंट के हेयर्स देख सकते हो थोड़े से कर्ली हो गए हैं, थोड़े से मैनेजेबल लग रहे हैं। मेरे हेयर्स ना काफ़ी फ्रीजी हैं, थोड़े अनमैनेज हो जाते हैं, लेकिन इससे यूज़ करने के बाद काफ़ी मैनेज। इसकी ना आवाज़ भी सुना देती हूँ कि ये कैसा आवाज़ करता है। तो जैसे नॉर्मल ड्रायर वर्क आवाज़ आती है वैसे ही आवाज़ आती है। तो धीरे धीरे मैंने इसको दूसरे साइड भी कर लिया है, कॉम भी कर लिया है अंदर की तरफ, इसे मैं बेंड करती गई ताकि कर्ल भी आते रहे, वॉल्यूम भी आता रहे, मैनेजेबल भी हो जाए। और आप ऐसे मैंने फ्रंट के हेयर्स ले लिए, थोड़े से कॉम करने के बाद मैंने इनको अंदर की तरफ कर लिया है ताकि एक अच्छा सा बाउंसी हेयर मिले। वैसे तो मेरे हेयर काफ़ी बाउंसी है, बट स्टार्टिंग में एक अच्छा सा बाउंस आए हेयर्स में। तो अंदर की तरफ आपको धीरे धीरे एक से दो बारी करना है, और आप देख सकते हो हेयर्स काफ़ी अच्छे लग रहे हैं, अब पहले से तो काफ़ी मैनेजेबल लग रहे हैं। एंड आपका ये गो टू लुक के लिए कर सकते हो, अगर आपको कहीं इंस्टेंटली जाना है ना, तो आप इसको 5 मिनट में आपके हेयर्स काफ़ी मैनेजेबल हो जाते हैं। एंड दिस इज़ द फाइनल लुक यू गाइज, आप देख सकते हो हेयर्स काफ़ी मैनेजेबल लग रहे हैं, एंड बहुत वेवी। तो ये थे मेरे पहले के हेयर्स, ऐसे थोड़े मैसी से, ठीक है, थोड़ा मैसी से थे, और इसको खोलना फ़ायदे में नहीं था। और आप देख सकते हो आप कि बाल खोल भी सकते हैं, काफ़ी मैनेजेबल लग रहे हैं, एंड काफ़ी
अच्छे लग रहे हैं। सो गाइज, दिस वॉज माई रिव्यू अबाउट ये ब्लो ड्रायर ब्रश, एंड कैसा आपको ये लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। इसको यूज करना बहुत इजी है और बिल्कुल डरने वाली बात नहीं है, ये बिल्कुल सेफ है। तो चाहे आप मेन हैं या वुमेन हैं, आप इसको यूज कर सकते हो और विदाउट यू नो एनी हजल आप इसे यूज कर सकते हो। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना। तो मिलते हैं एक न्यू वीडियो में इंटरेस्टिंग टॉपिक से। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।